दिव्यांग होने के बावजूद कोविड 19 में प्रयोग के लिए अपना शरीर दान करने का ऐलान किया। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ककहरा गांव का है, जहां एक दिव्यांग गजेंद्र रजावत उर्फ मोहन ने कहा है कि यदि कोरोना वायरस महामारी में सफल इलाज के प्रयोग करने के लिए यदि भारतीय स्वास्थ्य विभाग को किसी मानव शरीर की जरूरत पड़ती है तो मैं अपना शरीर दान करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें, गजेंद्र रजावत उर्फ मोहन ने बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प लिया था। वो एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन अपने को कभी कमजोर नहीं समझा। अपने जीवन यापन की रोजी रोटी के लिए दुकान चलाकर गुजारा कर रहे हैं। मोहन खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम खुद ही करते हैं और देश के प्रति कुछ कर गुजरने वाले इस दिव्यांग को शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद वो अपने बचत खाते से जरूरतमंदों की शादियों में बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। फिलहाल गजेंद्र रजावत उर्फ मोहन ने कोविड 19 के प्रयोग में अपना शरीर दान देने की घोषणा कर भिंड जिले के ककहरा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। आपने अपना शरीर कोरोना वायरस को लेकर जो दान में दिया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अपना भारत या पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, तो मैंने विचार लगा कि डॉक्टर लोगों को अगर किसी मानव शरीर के परीक्षण की जरूरत होगी तो मैं अपना शरीर दान कर रहा हूँ। आपकी शादी हुई है? जी, मैं शादी बचपन से ही लालसा थी देश की सेवा करने के लिए, इस कारण मैंने शादी का मनी विचार ही नहीं लाया था। आप एक पैर से दिव्यांग हैं और खर्चा पर कैसे चलाते हैं? ये जो छोटी दुकान कर रखी गांव के अंदर, इससे जो भी बचता है उससे अपना खर्च चलाता हूँ और सोचता हूँ समाज सेवा में कहीं ये पैसा लगा सकूँ, लगाता हूँ। हाँ, क्या नाम है? गजेंद्र सिंह गाजावत। गाँव? ग्राम ककहरा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो फेच न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।